हम देखो, हम ये विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप योगा मत करो, आसन प्राणायाम वगैरह मत करो, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि खूब फूंक फूंक करके कदम रखो, नाप तोल के खाओ कांटे से, ये नहीं खाना, ये खाना, इतने बजे खाना, इतने मिनट पर खाना, इतने बजे पानी पीना, और बढ़िया से बढ़िया कोई रसायन होते हो उनको भी खाओ पौष्टिक, और खूब भ्रामरी और भस्त्रिका और उज्जायी, अनुलोम विलोम कपाल भाती सब करो, 84 नहीं 84 से भी चौगुने कोई आसन होते हैं वो करो, उसको भी चौगुना कर दो, बुढ़ापे से बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे, बोलो। अरे जो घोषणा करते हैं वो तो बाल रंगा रहे हैं महाराज, जो लोग घोषणा करते हैं ना ऐसे करने से बाल काले रहते, वो रंग चढ़ाते हैं बालों के ऊपर। एक सज्जन हमको मिले, हमसे बोले, ग्वालियर की बात है गुसाई जी, बोले हमसे कि बहुत बढ़िया गाजर लाए हैं आपके लिए, गाजर का जूस बहुत अच्छा होता है, हलवा भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने कहा हम तो गाजर खाते नहीं, क्यों? हमने कि वैष्णव को जो भगवान को भोग नहीं लग सकता वो नहीं खाना चाहिए, भगवान को भोग नहीं लगता गाजर से, नहीं खाते। अरे राम राम, गाजर में क्या दोष है, बहुत फायदे की चीज़ है, जाने कौन सा विटामिन होता है वो आँख के लिए बहुत फायदे, विटामिन सी जाने कौन सा बताया, हम तो भूल गए, कोई विटामिन बताया, बोले आँख के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें सबसे ज़्यादा होता है गाजर में, आँख बिल्कुल नहीं बिगड़ती, बहुत फायदे की चीज़, आप क्यों नहीं खाते, आप खाइए। अरे सब दकियानूसी बातें पुरानी, ये सब बातों को थोड़ी मानना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप पुरानी बातों को मानते हैं। तो हमने कहा कि आप तो जरूर गाजर, हाँ हाँ हम तो गाजर खाते हैं, जूस भी पीते हैं, कच्ची गाजर भी खाते हैं, सलाद बना के भी खाते हैं, साग भी खाते हैं, जूस भी पीते हैं। हमने कहा आपके तो इतना मोटा चश्मा लग रहा है, उसके नज़र का चश्मा लग रहा था, मैंने कहा आपके नज़र का चश्मा लग रहा है, बोले हमारी तो बचपन में ही आँख खराब हो गई, बचपन से अब तक खाते खाते तुम 50 साल के हो गए, अब तुम्हारी आँख और खराब होगी, हमारा और धर्म बिगाड़ना चाहते हो। भाई कोई कहे कि प्याज लहसुन खाने से अमर हो जाओगे, गाजर खाने से अमर हो, हमको अमर होना ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अमर होने का जो लोभ है ना वो एकदम झूठा है, बेकार। अरे भाई कलयुगी शरीर है, सब पता चल जाता है, 10-5 दिन भूखे रहो सब पता चल जाएगा। हमारे भीतर कितनी ताकत है ना, योग की, ध्यान की, और सब पता चल जाएगा, अनशन करके तो देखो। कुछ नहीं, सब बेकार की बातें, हम ये नहीं करें कि मत करो, करो, पर भैया कल्याण इनसे नहीं होगा, कल्याण तो केवल भगवान की शरणागति से होगा, कल्याण श्री राम नाम से होगा, भगवान की कथा से होगा, भगवान के कीर्तन से होगा कल्याण, इन सबसे कल्याण होने का नहीं। इसी कक्ष में, यहीं जहां इस समय भरतदास जी का आसन है, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विराज रहे थे। रावत जी आए, आते थे महाराज जी के पास, तो उन्होंने महाराज जी को कहा कि उस समय योग का बहुत ज़्यादा टीवी पर चल रहा था, तो उन्होंने कहा हम कैसेट भी लाए हैं और लैपटॉप भी लाए हैं,
महाराज जी से कहा ऐसे कमर का दर्द ठीक हो जाता है, यूं हो जाता त्यों हो जाता, कुछ करके भी दिखाने लगे कमरे में। महाराज जी से कहे थोड़ा आप ऐसा कीजिए वैसा, महाराज जी देखते रहे कुछ बोले नहीं। हमको भी उन्होंने अपने सपोर्ट में रखा था तो हमने भी कहा महाराज जी ये कह रहे हैं तो आप थोड़ा सा करके देखिए। महाराज जी बोले नहीं ठीक है, सब देख लिया सब सुन लिया। मैंने फिर आग्रह किया कि महाराज जी ये बेचारा इनका मन रह जाएगा कुछ। महाराज जी बोले जब से होश संभाला है तब से श्री राम नाम का आश्रय लिया है, अब मृत्यु का क्षण निकट आया तब हम आंख नाक दबावें योग का आश्रय लें, अब ये संभव नहीं है, आश्रय तो केवल भगवान के नाम का ही रहेगा, ये महाराज जी ने कहा। और सवेरे स्नान करके महाराज जी कुछ करते थे, क्या करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे ऐसे। आप कहेंगे तो सब श्री रामदेव बाबा भी करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं नहीं, पर महाराज जी तो बहुत पहले से करते थे। तो महाराज जी से हमने पूछा कि महाराज जी ये क्या है, ऐसे भी करते हैं, ऐसे ऐसे भी करते, ऐसे भी करते, ऐसे करते, ऐसे भी करते, ऐसे। तो हमने कहा महाराज जी ये क्या व्यायाम करते हो, महाराज जी आप व्यायाम कर रहे हैं। महाराज जी बोले यही समझ लो व्यायाम कर रहे हैं, इसी कमरे की बात है। हमसे बोले तुम पंडित होकर पूछ रहे हो, ऐसा कहते महाराज जी ने भागवत जी का श्लोक बोला, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रंकिंक नार वरुद्धे क्षण मार्जनादौ हैं धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, धन्य है व्रज की गोपियां जिनके चित्त पर सदा श्याम सुंदर चढ़े रहते हैं, गैया धोते समय श्री कृष्ण की याद, धान कूटते समय, फटकते समय, पीसते समय। तो महाराज जी तो गोपियों की लीलाओं का चिंतन करते थे और हमने समझ लिया को व्यायाम कर रहे हैं। बोले तुम यही समझ लो, ये श्लोक कहकर महाराज जी विह्वल हो गए। अरे शरीर के रोग की मन के रोग की बात जाने दीजिए, भवरोग समाप्त तो हो जाएगा, नाम का आश्रय लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। मन आदि से ग्रसित है, भय शंका लज्जा विषाद आदि अनेक संताप जनक दोष वो चित्त में स्थित हो रहे हैं, मन उनसे विकल हो रहा है। मानसिक रोगों से हम परेशान हैं, ये मानसिक रोगों की चर्चा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मानस जी के उत्तरकांड में की।